Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णु निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कभी भी आप शटरिंग वगैरह करा रहे हैं या फॉर्मवर्क करा रहे हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। कभी कभी फॉर्मवर्क कराते हुए कई चीज़ों की गलतियाँ हो जाती है, स्लैब फेलियर वगैरह हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको साइट में रहते हुए ध्यान देना चाहिए। हो सकता है छोटी छोटी बातें आपको पता हो, लेकिन बिल्कुल आप एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। और कभी भी कोई काम करा रहा है शटरिंग का, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें कि ये चीज़ सही है कि नहीं, हमारी साइट में ऐसे हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, इसी सब के ऊपर ये पूरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आर द लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स अवेलेबल। जो हमारी साइट में अब ड्राइंग्स वगैरह हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो अवेलेबल है कि नहीं, कि आप स्लैब करवा रहे हैं कहाँ कहाँ ओपनिंग देना है, कहाँ कहाँ नहीं ओपनिंग देना है, तो वहाँ ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। तो शटरिंग डलवाने से पहले आपको वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा। जब आप शटरिंग करवा रहे हैं, फॉर्मवर्क करा रहे हैं, तो अगर उस हिसाब से आपके यहाँ ड्राइंग नहीं है तो आपको पहले ड्राइंग को लाना पड़ेगा अपनी साइट में और मंगाना पड़ेगा आपके आर्किटेक्ट से या जिससे भी। तो ड्राइंग होना बहुत जरूरी है पहले साइट में। फिर आगे देखेंगे इच एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ शटरिंग मटेरियल अवेलेबल। क्या होता है कि शटरिंग की जो क्वांटिटी आप पहले से कैलकुलेट करके रखिए, हमको इतना क्वांटिटी में शटरिंग चाहिए, जब भी आप शटरिंग कराने वाले हैं तो उतना मटेरियल आपके पास साइट में होना चाहिए। उसको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई आपको शटरिंग निकालना, तो देख लीजिए आप वीडियो कुछ एस्टिमेशन वगैरह के पड़ेंगे शटरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। शटरिंग कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कि आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल उतना है कि नहीं आपकी साइट में, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। फिर क्या होता है, शटरिंग जब जिसे आप करा रहे हैं तो बैरिकेटिंग और सेफ्टी मेजरमेंट ध्यान देना पड़ता है। जैसे देखिए फॉर्म वर्क स्ट्रीमिंग इन प्रोग्रेस, क्या फॉर्म वर्क आप करा रहे हैं, वहाँ से कोई नेल किसी को लग गया, वहाँ पे नेल मतलब कील जो है, कील ही वहाँ पे गाड़ते हैं, किसी को कील लग गया, आपको पता नहीं आप कैसे शूज़ पहन के जा रहे हैं, सेफ्टी मेजरमेंट पूरे होने चाहिए कैसे शूज़ पहन के जा रहे हैं, फिर कोई चीज़ गिर सकती है ऊपर से, तो इस टाइप के साइन बोर्ड वगैरह भी होना चाहिए, इस टाइप को लिखा होना चाहिए जिससे लोगों को पता चले हाँ इधर शटरिंग वर्क हो गया तो इधर हमें सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, कि पूरा बैरिकेटिंग वगैरह कर सकते हैं आपकी, वहाँ पर उधर जाने में दिक्कत ना हो। फिर अगला पॉइंट क्या है कि आर सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर नेबरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देखिए कभी कभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, मान लीजिए ये आप यहाँ पे शटरिंग का फॉर्मवर्क करा रहे हैं, ठक ठक की आवाज़ आ रही है, ठोक रहे हैं, कील वील ठोक रहे हैं, और ये आदमी को यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके पहले आप NOC वगैरह ले लीजिए, NOC में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लेके रखिए कि हाँ हम यहाँ पे, हमें परमिट है, हम ये चीज़ कंस्ट्रक्शन ऐसे कर सकते हैं, तो आपकी जिससे नेबर को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिससे नेबर को प्रॉब्लम होती है, आप उसकी तरफ कचड़ा फेंक रहे हैं या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए भी आप मतलब आप उसकी बाउंड्री वॉल में शटरिंग के लिए मटेरियल रखवा दिए या कुछ भी कर दिए, कुछ उसका तोड़ दिए, कुछ चीज़ गिर गया या आवाज़ बहुत आ रही है, तो इसके लिए आप जो है बिल्कुल पहले परमिशन लेके रखिए, या पहले से ही जाके उस कोई आपका जो साइट में पड़ोसी है उससे आप बात कर सकते हैं कि हाँ भैया हमको ये चीज़ कराना है, 2-3 दिन की दिक्कत होगी, तो मतलब इससे आपको जो है डिस्प्यूट नहीं क्रिएट होगा आपस में। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, हमेशा जब भी शटरिंग कराएं उसको प्रॉपर क्लीन करा सकते हैं। आप ये देखिए, आप कोई भी शटरिंग हो रही है तो अगर बिना क्लीन कराएंगे तो वो सही नहीं हुआ, हनीकॉम वगैरह भी आ सकता है, कुछ चीज़ें उसमें जमी हो पहले से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि, और इसके हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसमें ऑयलिंग अच्छे से हुई रहे, कि मतलब प्रॉपरली क्लीन हो। जब भी शटरिंग में आप करेंगे तो ऑब्वियस बात है ऑयल लगाना पड़ता है, तो ऑयलिंग करके ही शटरिंग करवाएं जो है। फिर क्या होता है कि जैसे शटरिंग आप करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्लैब का शटरिंग है, लेकिन यहाँ पे लेवल जो है ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको चेक करना चाहिए कि उतना ही दूर पे, उतनी हाइट पे हमारा स्लैब कास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, इधर इतना जिधर स्लोप देना है उधर स्लोप है कि नहीं, तो आपको हाइट के हिसाब से वहाँ का हर जगह का लेवल चेक कर लीजिए अपने ड्राइंग के हिसाब से, या आप देख सकते हैं कि आपको लेवल पहले शटरिंग के चेक करा लेना चाहिए कास्टिंग के पहले। फिर अगला क्या है कि जब जो भी हमारे सपोर्ट और फिक्सिंग रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट बना है, यहाँ पे बांधा गया है, नीचे का भी देख सकते हैं, कभी कभी यहाँ पे ब्रिक वर्क वगैरह लगा देते हैं तो उसको हटा देना चाहिए, उसको ब्रिक नहीं रखना चाहिए इसके जो है प्रॉप्स के नीचे, तो हमेशा सपोर्ट और फिक्सिंग वर्क को अच्छे से हमें चेक करके ही काम कराना चाहिए, सपोर्ट कैसा है उसका। फिर अगला क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट हमेशा देख लीजिए कि हमारा सही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का लेवल क्या है, और ये जैसे मान लीजिए शटरिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, आपका ये बीम बीच में पड़ेगी तो इसके बीच में इतना दूरी है, हर जगह दूरी सेम है कि नहीं सेम है, इसके अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप शटरिंग से रिलेटेड जो आपके टूल्स वगैरह होते हैं कि वो आपके पास साइट में अवेलेबल है कि नहीं, कि आपको लेवल चेक करना है, या प्लम्ब से आपको वर्टिकल अलाइनमेंट देखना है, या
सरिये को आपको काटना है या हैमर है, ये छोटी छोटी चीजें आपकी साइट में होना है कि उससे रिलेटेड टूल्स हैं कि नहीं, आप मिस्त्री लोगों से बोल के पहले से पूछ सकते हैं कि भैया आपकी साइट में जितना आज काम होना है उससे रिलेटेड सारे टूल्स हैं कि नहीं, क्या क्या टूल्स हैं आप मेरे को दिखाओ। फिर अगला पॉइंट क्या है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप शाफ्ट ओपनिंग, कभी कभी लोग आंगन के लिए ओपनिंग दे देते हैं कि नहीं, यहाँ पे हर जगह आंगन के लिए कहीं ओपनिंग है, तो ये ड्राइंग के हिसाब से हमको पहले चेक कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में हमने ओपनिंग वगैरह दी है कि नहीं ड्राइंग के हिसाब से। अगर आप पूरी शटरिंग पूरे में बनवा दिए, पूरे में कास्टिंग करवा दिए, बाद में तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, तो शटरिंग समय कराते टाइम ही ध्यान दें कि आपको जो है ओपनिंग जहाँ जहाँ देना हो वहाँ पर ड्राइंग के हिसाब से आप उसको देख के चेक करके दे तभी दें। फिर अगला क्या है कि ब्राउन टेप और ऑयलिंग पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, मुझे से ऑयलिंग का ऊपर ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो स्लैब की शटरिंग है यहाँ पे एक के बाद एक शीट यहाँ पे रखी जाती है, आप शीट के बीच में जो है गैप भी क्रिएट होता है, तो इसके लिए हमें ब्राउन टेप से इसको जो है हर जगह आप देखिए यहाँ पे पूरा ब्राउन टेप है, कवर वगैरह प्रॉपरली लगा दिए गए हैं, फिर ऑयलिंग प्रॉपरली की गई है जिससे इसका सरफेस हमें स्मूथ मिले, हनीकॉम वगैरह ना आए अच्छे से, फिर वाइब्रेटर वगैरह भी आप चलवाइए। तो ये ब्राउन टेप और ऑयलिंग प्रॉपरली करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप शटरिंग का काम करवा रहे हैं। फिर जब आप शटरिंग करवा रहे हैं कि एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ आपको 7 दिन में ही उसका जो है डिशटरिंग करना है तो आप बिल्कुल 7 दिन में खोले कि उसको 2 दिन में आप खोल के छोड़ दें, या स्लैब की डिशटरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, आप जल्दी खोल दिए या स्लैब बीम बेंड हो गया कोई ऊपर से, तो हमेशा उसको स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही जिस चीज़ को जितने दिन में खोलना है या सेफ मैनर के हिसाब से ही आप इसको ओपन करें जो हो जब भी आप डिशटरिंग करवा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है कि जब भी आप शटरिंग करवा रहे हैं, मान लीजिए आजकल कास्टिंग है, तो उससे पहले हमारे जो सीनियर इंजीनियर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं या इंस्पेक्शन करने जो हम लोग के साइट में आते हैं, उन लोग से पहले चेक करा के रखिए कि भैया हाँ आप ओके करके हमें दे दो, बाद में पता चला स्लैब फेल हो गया, कोई चीज़ की दिक्कत हो जाएगी तो आप फंस जाएंगे एज अ साइट इंजीनियर, आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसके पहले आपका जो सीनियर इंजीनियर है, जैसे आज शटरिंग खत्म हो उसको पहले ला के चेक कराएं, तभी उसमें कास्टिंग कराना शुरू करें। ऐसा मेरा आज का वीडियो फॉर्म वर्क के ऊपर, और इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ चीज़ पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारा बिल्डिंग के साथ अभी हाईवे का भी कोर्स ऐड हो गया है, और इसको आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, जितने का आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं उतने का ही मतलब आपका आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों और कोर्स। और इसके बाद एक चीज़ और बोलूँगा कि आप 4 महीना अगर मेहनत कर लिए तो दोस्तों जितना फील्ड में प्रैक्टिकल में आप 10 साल में चीज़ें जाके सीखेंगे वो सारी चीज़ें आप इस 4 महीने के कोर्स में बिल्कुल 3 महीने 4 महीने में सीख सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। और जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।